नमस्कार सभी भाइयों, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्म विनोद गिरी। और मैं विनोद गिरी आज पहुंचा हूं एक मड़ियाई के बाजार में। मड़ियाई के बाजार हर सोमवार को लगता है और ये बाकड़ी भैंसों का एक अच्छा बड़ा बाजार है और इसमें कटिया भी बहुत आती है। कटियाओं का बहुत बड़ा बाजार है इसमें। बाकड़ी की अपन भैंसें बहुत आती हैं। एक सामने दिखा रहे हैं हम ये पूरी भैंस है, अभी इसकी जानकारी करेंगे। जो भी भाई चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। अब ये सामने दिखा रहे हैं पूरी भैंस है, बहुत ही अच्छे साइज की है। पीठ पुट्ठा बहुत अच्छा, जड़खंड से बहुत साफ सुथरी भैंस है और छोटा सींग गोल गोल सींग है। चलो यदा हुआ थोड़ी देर के सर में बिल्कुल साफ सुथरी भैंस देखे, बहुत ही अच्छा डेढ़ ठुका हुआ, बिल्कुल ठुका हुआ और साफ सुथरा थंड। सभी भाई वीडियो को पूरी देखें, वीडियो के बीच में मंडी मालिकों के नंबर मिलेंगे जिनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी जोटी है पूरी जोटी। अभी जानकारी करते हैं इसकी कीमतों की है। इसका बच्चा है ये देखेगा, ये भाई सौदा चल रहा है। भाई पूछ रहे क्या हाल है, क्या हाल है भैया जी, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? ये जो जोटी है तुम्हारी बुरी, कौन से ब्याह तुम्हें, कौन सी बार ब्याह दिया? ये पहलवन ही है। और क्या बन भी है भैया? दो महीने की। तो क्या बन की गारंटी है? चेक करिए, देखेगा भाई खुद भी हतैया है। भाई भैंस आस पास कर रहे हैं, रात भी भाई का सना हुआ है, हतैया है। और इसमें दूध कितना? दूध होगा 9 किलो। 9 किलो पक्का? और ये नीचे बच्चा क्या भैया? ये इसका बच्चा है, देखेगा कितनी अच्छी कटिया है, कटिया का भी साइज बहुत अच्छा है। तो इसकी कीमत कितनी है भैया? कीमत 80,000। ये जो हमें कीमत बताई है इस ये फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? कम बढ़ती भी हो जा तो कम वाले बता दो, बढ़ती को रहने दो। 80 के दोगे तो जजा भी बहुत टाइम भी बहुत रहा। इसकी लगी अभी कीमत? 75-76 लगे, 80 की है। ठीक है भैया जी, देखिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। भाई की भैंस बहुत अच्छी है, बुरी भैंस को कमी मिलती है बाजार में ढूंढने से। और ये मड़ियाई के बाजार में एक से एक शानदार भैंस आई हुई है, बागड़ी भैंस। एक भाई भैंस ले रहा है, भाई भैंस ले रहा है, बहुत ही अच्छे बड़े साइज की भैंस है। भैंस का साइज बहुत ही अच्छा है, बड़े साइज की भैंस है। जो सींग है थोड़े से खुले होकर बड़ा सींग है, लेकिन चेहरे पे शरीर पे बहुत खिल रहा है। भैंस का साइज बहुत अच्छा, देखिएगा भाई के सिर के बराबर भैंस का साइज हो रहा है बिल्कुल। और भाई की भी लंबाई कम से कम 5.5 फुट है और भैंस भी इसी हिसाब की ऊंचाई लंबाई है। भाई गर्मी लग रही है, गर्मी में मंड रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने, पेप्सी थम्सअप दबा के पी रहे हैं। भैंस बीके है ना बीके, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। चलो यार, भैंस का जड़थन बिल्कुल साफ सुथरा है। अभी बात करेंगे इसके या बन की और कीमतों की। भाई दूसरे को दे रहे पेप्सी हो? अरे नहीं भाई, पेप्सी चलना नहीं भाई जी, पेप्सी जरूर चलेगी। लो दे, एक आदमी से पकड़ लो। भैंस की कीमत 3 महीने का इसका ग्याव है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अमजद। कहाँ के रहने वाले हो? मीरापुर। मीरापुर जिला? जिला मुजफ्फरनगर। ये जो भैंस है तुम्हारी कौन से ब्याज की भैया? ये 3 महीने गया है जिसका। 3 महीने क्या बना है? ब्याज कौन सा, कौन सी बार ब्याह है? तीसरा ब्याह है जिसका। तीसरा ब्याह है, चौथे के लिए क्या बना है? जी जी। और कितनी क्या बना रही है? 20 किलो दूध देती है जी। 3 महीने क्या बने जी? 3 महीने की क्या बना है? और अब कितना दूध है इसमें? दूध इसमें 8 लीटर है जी। 8 लीटर कहने का ही या है? काटने का है जी, काटने का है 8 लीटर। और बच्चा ना इसका? ना जी, इसका बच्चा नहीं है जी। बच्चा नहीं है। और अभी तुम बता रहे थे ताजी, जब इस टाइम ताजी बेबी होती है कितना दूध दे देती है? 20 लीटर दूध देती है। मालिकों ने बताया किसी ने? तुम्हारे घर की है? जी। अच्छा, तो फिर तो अच्छे दूध की भैंस है। और क्या कीमत मांग रहे भैया? कीमत 85,000 है जी। 85,000? तो 85,000 जैसे बताए फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? कुछ कम हो जाएगा, 1,500 किराए कम कर देंगे जी। 1,500 कम हो जाएगा, मतलब 80 तक की हो जाएगी जी जी, अगर कोई लेता है तो। 5,000 करवाओगे क्या? ठीक है भैया जी, देखिएगा भाई की भैंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा साइज है, साफ सुथरी भैंस है। ठीक है भैया जी, जाते तो यहाँ होते। एक सामने भैंस दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छे साइज की भैंस है, शरीर की बनावट बहुत अच्छी है और बिल्कुल जड़ थन से भी बहुत साफ सुथरी है। और भैंस का सिरसिंगार, भैंस का सिरसिंगार बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे सिंग वाली प्योर मुर्दा नस्ल में भैंस है, बिल्कुल काला रंग।
पूंछ में ही थोड़े बाल बाल सफेद है बस, देखिएगा चेहरा मोरा। भाई भाई बहुत ही शौक से भैंस को लाया है और पूरी तारीफों के साथ हमारे से बात कर रहा है भैंस की, और भैंस का साइज बहुत अच्छा है, शरीर की बनावट ये इसका बच्चा है, बच्चा भी कटिया है, कटिया का भी साइज बहुत अच्छा है, अच्छे उच्च साइज की कटिया है। अभी बात करेंगे इसके कीमतों की और क्या बन की, देखिएगा कितना मोटा थन साफ सुथरा थन है। क्या क्या नाम है भैया, कहाँ के रहने वाले हो? ये जो भैंस है तुम्हारी कौन से ब्याज में कौन सी बार भी आई हुई है? तीसरे भी है, क्या बन भी है? अब 3 महीने क्या बना है, क्या बन की गारंटी? और अब कितना दूध है इसमें? फिलहाल 10 लीटर दूध है। 10 लीटर कहने का ही बाजार में सभी बता दे, घर तक की गारंटी 10 लीटर नाप का? बिल्कुल लीटर नाप का दोगे। और ये इसकी कटिया है? अच्छा, तो इसकी कीमत कितनी भैया? 1,05,000। तो ये जो 1,05,000 बताइए, फिक्स है कुछ कम भी हो जाएंगे? कम भी हो जाएंगे, 5,000-4,000। 5,000-4,000 हो जाएंगे, तो 90 की हो जाएगी फिर? तो दे देंगे, चलो 90 की भी दे दोगे? देखेगा भाई ने पूरा 15,000 रुपए का सौदा रखा है, बाजार है तो और 90,000 की दे देंगे। अच्छा, जैसा अभी बता रहे हो 22 लीटर दूध, ये तुम्हारे घर की थे खरीद के लाए थे? घर की है। तो 22 लीटर काटा, तो फिर बेच क्यों रहे इतने दूध की? अच्छा, व्यापार का काम है, बेचनी है। ठीक है भैया जी, भैया हमसे एक और भाई ले रहा है, बहुत ही अच्छी रोटी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा साइज है रोटी का, उच्च लंबाई बहुत, और बिल्कुल रिंग सिंग, और भैंस का थोड़ा सा लोया रंग है, लेकिन झोटी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल ठुकी हुई ठोस जड़ है, और ब्याज भी झोटी का कम होगा, बिल्कुल रिंग सिंग होता है, और झोटी है कितनी अच्छी झोटी आई बाजार में। अभी बात करते हैं इसकी कीमतों की, क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई, भाई। क्या नाम है? इमरान नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? गोयला जिला मुजफ्फरनगर के। ये जो झोटी है तुम्हारी कौन से ब्याज की है? मतलब इस बार पहलवानी है, मुंह से भी 4 दांत है, देखेगा झोटी का कितना अच्छा साइज है, कितने अच्छे लंबे की, और उम्र से भी 4 दांत बता रहे हैं भाई, उस हिसाब से झोटी बहुत ही अच्छी है। तो ये क्या बने? क्या बन की गारंटी है? होगी बिल्कुल पास। बच्चा ना इसका? बच्चा नहीं है। और दूध कितना इसमें? 8 किलो पक्का? पक्का, बताने का ज्यादा नहीं, 8 किलो। अच्छा, बताने का दूध भी ज्यादा है, बताने का कुछ भी बता दे बाजार में। और क्या कीमत मांग रहे भैया? 82,000 तो ये 82 फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? कमती हो जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे? 5,000-4,000 मतलब की 70,000 हो जाएंगे, 70,000 हो जाएंगे। ठीक है, देखेगा भाई ने बिल्कुल झोटी की कीमत 70,000 रुपये बताई है, और 70,000 के हिसाब से झोटी को देखते हुए कीमत कोई ज्यादा नहीं है, और जिसमें की ज्ञापन भी आस पास, और थन बहुत साफ सुथरा है, एक बार फिर दिखा देते हैं नजदीक से। बाजार में सभी तरह की भैंस आती है, एक सामने भाई ले रहा है मीडियम साइज की भैंस है, बिल्कुल छोटे सिंगों वाली है, भैंस नीचे से बहुत साफ सुथरी है, जड़ थन से बिल्कुल छोटे छोटे सिंगों वाली है, शरीर की बनावट भैंस की बहुत बहुत ही अच्छी है। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले? रोटा। ही झोटी है तुम्हारी कौन से ब्याज की है? दूसरे ब्याज की है, तो ज्ञापन भी है? 2 महीने की। 2 महीने की, तो ज्ञापन पास है? बच्चा ना इसका? बच्चा नहीं है। और इसके नीचे दूध कितना? 8 किलो, 8 किलो है। 8 किलो कहने का ये है, हो जाएगा लीटर की नाप का। और क्या कीमत मांग रहे भैया? 56,000। ये तो मांगने के हो गए, देने के कितने? देने के बस 1,500 रुपए कम पड़ती, बस छोटा सा ही सौदा बता रखा है, छोटा सा ही बताते हैं। अच्छा, जब टाइम भी बहुत हो रहा है, कीमत लगी इसकी कुछ अभी? लगी 50-52,000। 50-52 लगे, 50-52 की देनी नहीं हमने देनी। और 55 कोई लगा रहा नहीं, और जो 55 ना लगे? नहीं लगे तो घर चले जाएंगे, तो वापिस ले जाओगे। ठीक है भैया जी, देखेगा भाई की भैंस अच्छी है, और सौदा बिल्कुल छोटा सौदा बताया, जय सौदा। चलो एक बार भैया, तेरा कमीशन है, बातचीत हुई। मड़ियाई के बाजार में एक से एक भैंस आई है, चलो एक सामने भैंस दिखा रहे हैं, बिल्कुल गोल सिंगो वाली है, माथा टिक्का है, और जड़ थन से साफ है, दूध तो थोड़ा ही होगा भैंस में। अभी बात करेंगे इसकी कीमतों की, भैंस का बहुत ही अच्छा साइज है, शरीर की बनावट बहुत अच्छी है,
और देखे का पूछ बिल्कुल आधी सफेद पूछ है, पंच कल्याणी भैंस है, माता टीका है। बस जी रोक लो एक मिनट। क्या नाम है भैया जी? कहाँ के रहने वाले हो? किरवे के। जो भैंस है तुम्हारी, कौन से ब्यांत की है? चार महीने की। क्या बना रहे? बच्चा ना इसके नीचे? बच्चा नहीं। और दूध कितना है इसमें? दूध इसमें 7 किलो। 7 किलो पक्का? और क्या कीमत मांग रहे हो? 65,000। 65,000 में कुछ कम भी होंगे? फिक्स है 1,500। लास्ट कीमत बता दो, कहाँ तक कितने जाओगे? 63 कितने के जाओगे? 63 में 60 भी हो जाएंगे। ठीक ठीक है जी। बस देखो 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 जाएगा मड़िया के बाजार में। एक शानदार झोटिया आई हुई है सामने, देखेगा कितनी अच्छी अच्छी झोटियाँ खड़ी हैं। सभी तरह की भैंस आती हैं, सभी जो हम सामने दिखा रहे हैं भैंस का बना। एक और भाई भाई घुमा रहे हैं। रुकिए भैया, एक भाई सामने झोटी ले रहा है, बिल्कुल गोल्ड सिंगों की रिंग सिंग है, बिल्कुल प्योर मुर्रा नस्ल की है और साइज बहुत अच्छा है झोटी का, बहुत ही उच्च लंबे साइज की है। अभी बात करेंगे इसकी कीमतों की। साइज झोटी में दूध तो है नहीं, बिना दूध की है। अभी भाइयों से बातचीत करके ही पता चलेगा, देखेगा कितनी अच्छी झोटी है। क्या नाम है भैया? कहाँ के रहने वाले? रोटा। ये जो झोटी है तुम्हारी कौन से ब्यांत की है? दूसरे भी आवेगी। और अब कितनी क्या बना रही है? 7 महीने क्या बना? दूध तो है नहीं इसमें। और इसके थनों का कैसे पता लगेगा? चेक कर लो भैया, बिना दूध की पास हो जाएगी थनों से? और एक एक धार मार के पास हो जाएगी। अजय जैसे तुम खरीद कर लाए हो, मालिक ने कितना दूध की बताया? कितना दूध निकाल रहा था पिछले महीने? 13-14 बताया मालिक ने। और वैसे निकाल भी देखिए, है भी इस साइज की। और क्या कीमत मांग रहे हो भैया? 75,000। और 75 ये फिक्स है, कुछ कम भी होंगे? 2-3 हजार कम कर लोगे, मतलब 70,000 की दे जाओगे? 70,000 लास्ट है। ठीक है भैया जी, देखिएगा भाई की झोटी बहुत ही अच्छी है और कीमत बिल्कुल जायज कीमत बताइए, नहीं तो व्यापारी भाई कोई भी कीमत बता देते हैं। इसके कोई 1 लाख भी बता सकता है, इतनी अच्छी झोटी है, हमें देखने में भी भाई अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी झोटी है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।